गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट जो कि सुगंधा नाम की बुक है आपकी, उसका पाठ चार शुरू करेंगे हम, क्योंकि हमने पाठ तीन तक तो पहले ही कर लिया है। तो यह पाठ एक छोटा सा बच्चा है जो कि मुर्गी का है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तीन बच्चे दिख रहे हैं आपको और ये मुर्गी है। तो ये तीन बच्चों में एक चुनमुन है, कोई सा भी आप मान सकते हैं, चाहे ये है या फिर ये है, ठीक है। तो ये पाठ कहानी एक चुनमुन नाम की बच्चे के ऊपर है जो बहुत नटखट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और बहुत मजे आएंगे पढ़ने पे इसे। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता। माँ चुनमुन को समझाती, आप अभी बहुत छोटे हैं, साथ साथ रहा करो, मैं आपको खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुंच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। तो यह पाठ चुनमुन नाम के एक बच्चे का है जो कि बहुत नटखट है, जो अपनी मम्मी के साथ रोज घूमने जाता है, लेकिन अपनी मम्मी के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता। जैसा कि आप लोग भी करते हैं, जैसे आप अपनी मम्मा के साथ कभी मार्केट जाते हैं या फिर कभी अपने रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदारों के पास में जाते होंगे, तब मम्मी कहती है कि ऐसे नहीं करो, लेकिन आप क्या करते हो, थोड़ी देर तो आपको याद रहता है लेकिन फिर आप भूल जाते हो, है ना। तो उस तरह से ये भी छोटा सा था। तो माँ चुनमुन को समझाती थी कि आप छोटे हैं, साथ साथ रहिए और मैं ही आपको सिखाऊंगी सारी चीजें, लेकिन चुनमुन क्या करता, थोड़ी टाइम याद रहता और फिर बाद में उसे भूल जाता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, चुनमुन अपनी मम्मी और अपने भाई बहन के साथ में निकला और उसने अपने घर के बाहर उसे अपने घर के बाहर में हरे हरे छिलके मटर के दिखाई दिए, लेकिन वो अपनी मम्मी की बात भूल गया और कहाँ चला गया, उन छिलकों के पास चला गया। और फिर बाद में उसने क्या करा, अपनी छोटी सी जो चोंच थी ना, उसने अपने छिलकों को फंसा दिया, है ना, और उसको खाने लगा। तो क्या हुआ कि वह है ना, उन छिलकों में कुछ दाने रह गए होंगे, तो उन दानों को ढूंढ करके वह खाने लगा। अच्छा, अब छोटा सा बच्चा है, अगर दाने खाएगा तो गले में अटक जाएंगे, तो यही हुआ उसके साथ। मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा पर माँ उसे दिखाई न दी। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की पर उसकी चोंच छोटी थी, वह चुनमुन के गले से दाना न निकाल सकी। मुर्गी का एक मित्र था बगुला। वह भागकर बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई और बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा। उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ चुनमुन रो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके गले में क्या हो गया, मटर का दाना फंस गया। और यहाँ पे जो मुर्गी है ना, उसकी मम्मी, वो उसको निकाल रही है, लेकिन क्या है कि उसकी चोंच बहुत छोटी है, तो इस वजह से उसकी चोंच गले में नहीं आ पा रही बच्चे के गले में, तो इस वजह से उसके प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। अब फिर उसके बाद वो क्या हुआ, अब मुर्गी है ना बगुले के पास गई। अब बगुले के पास जा गई ना, तो उसने क्या करा, पूरा एक्सप्लेन करा उसे मैटर की, है ना, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के गले में ये फंस गया। तो फिर बगुले को उस बच्चे पे दया आ गई और बगुले ने अपनी चोंच से उसके गले में अटके हुए मटर के दाने को निकाल दिया, है ना। लेकिन फिर बाद में चुनमुन माँ से बोला कि माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और है ना, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो अब आपसे भी गलतियां होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप गलतियां करते ही नहीं हो।
तो जब गलतियां होती है तो उसे सुधारनी भी चाहिए, है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने बड़ों की बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। जो वो कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, हमें बुरा जरूर लगता है लेकिन वो सही बात कहते हैं। तो अब ये पाठ आपका पूरा हो गया है, इसे आप घर पे पढ़िए। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं शब्द बोध, जो कि वर्ड पावर है, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नोटबुक में लिखने के बाद में इन्हें अभ्यास, जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, जैसे सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। चुनमुन डैश का एक छोटा सा बच्चा था, इसमें से जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। चुनमुन के गले में डैश का एक दाना अटक गया, किसका दाना अटका था उस पर टिक लगाना है। केवल एक उत्तर पे टिक लगेगा, सब पे नहीं लगाने हैं। खाली स्थानों में सही शब्द छांट कर भरिए। इसमें जो आपको दे रखा है इसे आप पढ़िए, और इसमें चार ये जो आपको आंसर दे रखे हैं इनमें से एक आंसर आपका हर उसका लाइन का सही है, तो आपको उस हिसाब से इन्हें भरना है, ठीक है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने को क्यों कहा, चुनमुन क्यों रो रहा था, और मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों निकाल नहीं पाई, बगुले ने मुर्गी की क्या मदद की, चुनमुन ने अंत में अपनी माँ से क्या कहा। तो इनके सभी के उत्तर हम आपको अगली वीडियो के अंदर भेजेंगे, तो आपको उसमें से फिल करने हैं, ठीक है। व्याकरण बोध के उत्तर भी उसी में ही है, तो ये सब पूरा पाठ आपको कॉपी में भी लिखना है प्रश्न उत्तर, और आपको अपनी बुक में भी फिल करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।